जय हिंद वंदे मातरम साथियों, आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर जीके के लिए 60 डेज 60 क्लासेस लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपका हिस्ट्री कंप्लीट करा रहा हूं, उसके बाद कुछ और के बारे में मैं सोचने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप NBA के कैंडिडेट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर इकलौता एक ऐसा चैनल जो हर एक सब्जेक्ट के लिए आप सभी के लिए फ्री की क्लासेस ला रहा है, विदाउट पेड, किसी से रुपया नहीं लेना है। जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों, यदि आप पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा तो मिलना है, सिलेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा दोस्तों, और जब इसका पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का हो जाएगा तो मैं इसका PDF आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मतलब अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और इसके बाद करंट अफेयर 6 मंथ का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक GK ला रहा हूँ दोस्तों, NBA स्पेशल, जो पिछले बार जिस तरीके से क्वेश्चन आए थे ना, उसी के हिसाब से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे। तो पुर्तगाली किसके तलाश में भारत आए थे दोस्तों? मसाले के तलाश में भारत आए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेजली ने, जॉन एडम्स ने। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों, यहां पर आप सभी को MCQ बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं ना, और जो इसके अदर फैक्ट है ना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने का फुल प्रयास करूंगा। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? नाना साहेब को, बिरजिस कादिर को, बख्त खान को, या फिर तात्या टोपे को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, बख्त खान को। किनको? बख्त खान को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? बहुत ही लाजवाब लल्लन टॉप सवाल आप सभी के सामने। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद? प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, 1757। और यहाँ पे पानीपत के दोस्तों बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना आरंभ कर दिया था। आगे आते हैं, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो यहाँ पर गुजरात का शासक बहादुर शाह यहाँ पे पुर्तगाल के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई? वेंडीवास, असाये, चिलियावाला, सेरिंगम? तो यहाँ पे राइट आंसर होता दोस्तों वेंडीवास की जो लड़ाई थी ना, उसी में ये मैटर सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन, राज्य परिवहन नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? सतारा में, झांसी, अवध, या फिर जौनपुर? तो इसका राइट आंसर होता दोस्तों सतारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार लिखिए, यानी कि क्रमानुसार मतलब सबसे पहले इसमें से संधि कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, फिर उसके बाद? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर सी के साथ जाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी, देखिए आंसर सी दिया भी है। उसके बाद कौन सी संधि हुई थी, सबसे पहले सालबाई की संधि, फिर श्रीरंगपट्टम, और उसके बाद बेसिन, और अंत में किसकी संधि हुई थी, अमृतसर। यदि आपको इसका डेट पता है तो कृपया रिक्वेस्ट आप सभी लोग यहाँ पर डेट भी लिखे कि कब हुई थी, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काले पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था? किस गवर्नर जनरल के काले पंजाब को क्या किया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर क्या होता दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। अगला, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? जो सिंध मतलब सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था, तो ये किया था दोस्तों 1843 में, अर्थात 1843 में। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के साथ जुड़ा हुआ? लॉर्ड डिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंक, या फिर लॉर्ड कर्जन? तो यहाँ पर राज्य हड़प नीति याद रखिएगा
ये लॉर्ड डलहौजी ये बहुत ही मतलब चालाक था। अगला है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी, मुंगेर में या फिर कलकत्ता में या फिर मुर्शिदाबाद या फिर ढाका में। तो बात करेंगे ब्लैक होल जो त्रासदी थी दोस्तों वो घटी हुई थी कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में घटी हुई थी ब्लैक होल त्रासदी। अगला क्वेश्चन, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम या मैसूर या फिर बिदनोर। तो राइट आंसर होता है दोस्तों यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पर किसने की थी, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ यहाँ पर यही संधि की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुआ, जो ब्रिटिश थे तो इनको जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई किसके बाद, प्लासी के युद्ध के बाद या पानीपत के युद्ध के बाद या फिर बक्सर के युद्ध के बाद या वांडी वास। तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, उसी के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई थी। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, सहायक संधि नीति के तहत या राज्यालय नियमिति के तहत या कि चूंकि राज्य में कुप्रशासन था या फिर युद्ध करके। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों चूंकि राज्य में क्या था दोस्तों, कुप्रशासन था। जब कुप्रशासन होता है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हावी हो जाती हैं जिसके वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। अगला, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी, तो इसका यहाँ पर जो प्लासी की युद्ध था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था 1757 में। कब दोस्तों, सन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था, तो ये हुआ था 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। आगे कह रहा है, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो जो झांसी का राज्य था यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो राज्य था ना, ब्रिटिश शासन ने हिस्सा कैसे बनाया था, राज्य अपहरण नीति के तहत, यानी कि राज्य का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया, इसके तहत यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर ब्रिटिश ने हिस्सा बना लिया था। अगला क्वेश्चन, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी, रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव सेकंड, बाजीराव सेकंड। तो राइट आंसर होता है दोस्तों बाजीराव सेकंड। अगला क्वेश्चन, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था, नसीरुद्दीन महमूद शाह, वाजिद अली शाह, सुजादुद्दौला या फिर अली वर्दी खां। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों वाजिद अली शाह। क्या राइट आंसर होता है, वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर अभी कुछ देर पहले साथ बताया था, पंजाब। आगे है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वही थी 1764 में, यानी कि 1764 में यहाँ पर बक्सर की लड़ाई हो गई थी। अगला, 1767-69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ, तो जो 1767 है और 1769 है, ठीक है, तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, तो यह मद्रास संधि के द्वारा क्या हुई, समाप्त हुई। सन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, हैदर अली ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर या फिर अवध के नवाब। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों मीर कासिम ने। किसने यहाँ पर धोखा दिया, मीर कासिम ने, अर्थात बेवफा कौन बन गए, मीर कासिम। अगला क्वेश्चन, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों जो दूसरा यहाँ पर एंग्लो मैसूर युद्ध था उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन, सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो यहाँ पर ये जो सर आयर कूट थे ना वो वांडी वास युद्ध से क्या थे, संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया, 1838 है या 1919 है या 1858 या 1898। तो इसका राइट आंसर होता है दोस्तों 1898।
क्या हो जाता है 1898। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ, अभी बताया हूँ प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और देखिए यहाँ पर वो क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था 1911 में, अर्थात 1911 में यहाँ पर घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स या कर्नल सैंडर्स। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो यहाँ पर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम, ये तो यही क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए बंगाल का पूछेगा तो अलग रहेगा, लेकिन जब भारत का पूछेगा ना वो अलग रहेगा। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, और यहाँ पर मीर कासिम, चूँकि मीर कासिम इनके मतलब इन्होंने धोखा दिया था, मीर कासिम ने क्या किया था, धोखा दिया था, सिराजुद्दौला के मौत के बाद ये मीर कासिम को क्या बना दिया गया दोस्तों, नवाब बना दिया गया। ठीक है, अगला, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला, चूँकि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में क्या किया था, हरा दिया था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था, मैसूर, हम्पी, कन्नूर, मालाबार। तो जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तो उसके अनुसार मालाबार को ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब प्लीज़ करें, और क्लास में आप किस तरह का कंटेंट और चाहते हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो वो तो यहाँ पर है 1757 में, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था, तो बात करेंगे यदि अस्थायी माल यहाँ पर मालगुजारी बंदोबस्त, तो ये शुरू किया गया था कार्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, कार्नवालिस के द्वारा। अगला, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में कर दिया गया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने हो जाता है लॉर्ड एलनबरो। क्या हो जाता है, लॉर्ड एलनबरो। अगला, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन सी कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई भू व्यवस्था प्रणाली थी, तो कृषकों के हित के लिए जो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था थी ना, वो यहाँ पर बेस्ट थी। आगे, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो ये पता होना चाहिए, मुंबई और थाने के बीच चली थी 1853 में, कब दोस्तों 1853 में चली हुई थी, तो ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, लॉर्ड कालीनिवास, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर आता है ए, अर्थात लॉर्ड कार्नवालिस। अगला, भारत में प्रथम तार या टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1853 में, कब दोस्तों 1853 में। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था, तो ये है यहाँ पर 4 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा सन, जो भी सन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना वो याद रखिए, आगे चलकर आपको काम देने वाले हैं। अगला, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी, तो ये भी इसका भी आंसर है कार्नवालिस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, किसने की थी दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आगे क्वेश्चन, औपनिवेशक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसे मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था, तो वो था, चूंकि सबको पता था पहले भी कृषि आधारित हमारा देश था और आज भी कृषि आधारित देश है, ठीक है ना। आगे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है ना,
जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो भारत का जो आर्थिक अपवाह का सिद्धांत था ये उस समय किसने दिया था? तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के अलावा कोई और नहीं हो सकता है, बी फॉर बॉम्बे ही हमारा राइट आंसर है। आगे आते हैं, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन तो आपने देख ही लिया, आंसर सी जो मार्लो मिंटो यहाँ पर सुधार था वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ 1909 में, अर्थात 1909 में। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या बताया गया था? तो ये था दोस्तों, ये पूरा का पूरा केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किए थे? सिंपल सी बात है, उनका उद्देश्य आपको पता है, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ये तो हर एक बंदा छोटा सभी है तो ही बता सकता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो द्वैध प्रणाली को समाप्त किया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो दोस्तों जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वो मद्रास और बम्बई में लागू किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंट प्रदेश को किसने स्थापित किया था? सर थॉमस मुनरो ने। किसने दोस्तों? सर थॉमस मुनरो ने। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस यहाँ पर संदर्भ क्या है? तो यही इसका राइट आंसर है, रैयत वह भू स्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे मतलब रिच पर्सन होते हैं, खुद ही सरकार को देते हैं, वही चीज़ है। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो प्रथम कुलपति दोस्तों हाकिम अजमल खान। कौन थे? हाकिम अजमल खान थे। अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो मैकाले के अलावा कोई और नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। मैकाले ने यहाँ पर क्या किया था अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ करवाया था, श्री गणेश करवाए थे भारत में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो यहाँ पे प्रथम रेलवे लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली चली गई? तो ये उस समय जो कार्यकाल था दोस्तों वो था लॉर्ड हार्डिंग था। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? तो एक्ट ऑफ यानी कि 1909 का एक्ट, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में जो डाक यहाँ पर स्टार्ट किए थे वो थे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ये कह रहा कि मैं कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो ये यहाँ पर है मैकाले मिनट 1835 में। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ हुआ था वो लॉर्ड कैनिल के यहाँ पर कार्यकाल में स्टार्ट हुआ था। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे हिचकी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर बात करेंगे जे ए हिचकी। कौन है दोस्तों? जे ए हिचकी यहाँ पर अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किए थे। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके शासनकाल में हुई? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। किसके समय में दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। दो क्वेश्चन छोड़ो, दोनों का आंसर मुझे चाहिए कल, या फिर वीडियो देख रहे हैं ना तो वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम। जिसका क्या नाम था दोस्तों? नियामक अधिनियम। अगला है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो यहाँ पर बनाया था 1835 में, और अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पर 1835 में यहाँ पर जो मेन यहाँ पर भूमिका निभाई वो मैकाले ने निभाई थी। किसने? मैकाले ने। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्नवालिस,
लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर बात करेंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने डाक सेवा की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को, ये है ये वही है यहाँ पे लॉर्ड, यानी कि देखिएगा भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड कार्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है, बंगाल की अस्थायी राज्य व्यवस्था के लिए लॉर्ड कार्नवालिस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यविद की रचना के लिए विख्यात हुआ, तो यहाँ पर है बी लॉर्ड मैकाले, बताया ना लॉर्ड मैकाले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई, तो 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा। बंगाल की एशियाटिक समाज 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे, तो एशियाटिक समाज 1784 के जो प्रवर्तक यहाँ पर थे दोस्तों वो थे सर विलियम जोन्स। कौन थे, सर विलियम जोन्स। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी आर दास। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था, बोले तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, भारत में विधान मंडलों की समीक्षा का काम करना, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना, या वायरस क्रास की स्थिति की समीक्षा करना, भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना। तो ये सब गलत है, तो ये केवल आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता कितनी है उसकी समीक्षा करना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था दोस्तों वो था मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर। आगे आते हैं, अगला वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी, बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग या फिर चौरी चौरा। तो यहाँ पर जो वायसराय द्वारा जो नियुक्त किए हंटर कमीशन थे उन्होंने क्या किया था, जालियांवाला बाग त्रासदी के विषय में तहकीकात की थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम क्या है, तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है उसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार। आगे, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी, तो 1858 में। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था, जाति प्रथा, सती की कुप्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति या फिर व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो जो सती की कुप्रथा थी ना उसके ये अपोजिट थे, कौन, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हर एक बंदे को आना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था, 1909, 1935 या 1935। तो जो द्वैध शासन था 1909 यहाँ पर राइट है, सॉरी 1919 है। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता था, तो यहाँ पर जो पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेंगे तो 1935 में जो अधिनियम आया था वो राइट आंसर है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो रिपोर्ट में आ रहा दोस्तों जी के गोखले। क्या यह सही है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगला है मिलान करना, तो मिलान कर लीजिएगा। आओ वापस वेदों की ओर का इसका आवेदन किया कि कौन किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहाँ पर लास्ट किया था इसका। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो नए भारत का जो पैगंबर है वो श्री रामकृष्ण को कहा जाता है, नए भारत का पैगंबर। अगला क्वेश्चन,
सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन हो चुका लेकिन फिर भी जान लीजिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित की थी, तो वो तो इसका राइट आंसर रहता है दोस्तों बॉम्बे। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहता है, बॉम्बे। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था, तो ये रिपन था। चलिए दोस्तों अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आपको कितना क्वेश्चन है अभी हमें कमेंट करें, अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे तभी जाकर इसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया जाएगा।